गाइज माय नेम इज अनामिका मिश्रा एंड वेलकम टू योर चैनल। सो गाइज पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि सेकेंड वे कैसे हम लोग एक इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट में। सो आज के इस वीडियोस में हम लोग कुछ मेनू के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा हम लोग छोड़ दिए हुए थे ना फाइल मेनू के बारे में पढ़ेंगे ऑप्शन। सो फाइल मेनू ऑप्शन जो है हमारे फाइल उसके अंदर हमारे जो न्यू ऑप्शन है ओपन ब्राउज ओपन एज का मतलब क्या होता है ओपन रिसेंट क्लोज सेव सेव एज सेव फॉर वेव रिवर्ट प्लेस। ओके आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में डीपली पढ़ेंगे। सो गाइज इसके लिए हम लोगों को सबसे फर्स्ट हम लोगों को यहाँ फाइल मेनू में एक न्यू पेज लेना होगा। देन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन जो है ना यहाँ पे न्यू है तो सो मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि ये न्यू क्या है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ अनटाइटल है तो सो इसका आप नाम डिफाइन कर सकते हो। ओके जैसे कि मैं इस फाइल का नेम अनामिका डालती हूँ ठीक है। उसके बाद आपको साइज कैसा चाहिए आप यहाँ पे अपना साइज ले सकते हो। A4 जो साइज होता है इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है। सो मैं अभी पेज का जो साइज ले रही हूँ इतना ले रही हूँ ठीक है। इसका विड्थ और हाइट दिखा दिया। अगर गाइज जब आप वेब डिज़ाइनिंग करोगे तो आपको क्या होगा ना वहाँ पे पिक्सल ये सब में चेंज करने को बोलेगा। सो आप यहाँ पर जाकर पिक्सल पॉइंट सेंटीमीटर जो भी चेंज करना है इमेज को पिक्सल में डालना है कितना पॉइंट सो आप यहाँ से इसको विड्थ और डिफाइन कर सकते हैं। ओके जैसे हाइट ये रिसोल्यूशन यहाँ पर 72 है। अगर रिसोल्यूशन में 300 डालूंगी सो क्वालिटी ये डिपेंड करती है। अगर क्वालिटी अच्छा चाहिए तो रिसोल्यूशन अच्छा रख लो। तो सो मैं अभी रिसोल्यूशन 72 ही रहने देती हूँ। यहाँ पर गाइज RGB कलर है बिटमैप है ग्रे स्केल है ये जो होता है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो RGB कलर है RGB कलर जो आप अगर ऑनलाइन वे में डिजिटली अगर अपने जो भी बना रहे हो उसको सेंड करना है तो उसके लिए हम लोग RGB कलर का यूज़ करते हैं। CMYK क्या होता है प्रिंटर जो कलर इसमें दिख रहा है उसी वही कलर सेम टू सेम उसमें दिखना चाहिए ठीक है। उसके जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है तो हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर नहीं डाल के वाइट रखते हैं। बैकग्राउंड कलर आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हैं। यहाँ ट्रांसपेरेंट का मतलब कुछ भी नहीं कोई कलर नहीं सो हम लोग वाइट रखते हैं यहाँ पर। ओके करते हैं इसको। सो ओके करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन फाइल न्यू ऑप्शन था। सो हम लोग कंट्रोल प्लस एन को जब हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारा एक न्यू पेज ओपन होगा जो मैंने करके अभी दिखाया है। सेकेंड ऑप्शन ये है गाइस कि मैं ओपन ओपन का मतलब क्या होता है कि आप अपने कोई भी फाइल बनाए हुए हैं कोई भी फाइल को ओपन करना तो आप यहाँ से सिंपली कंट्रोल प्लस ओ को जब प्रेस करोगे ना तो वो ओपन हो जाएगी। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपन करना कोई भी फाइल को हम ओपन करके देखते हैं। चलो मैंने इनका ही इमेज लेती हूँ सो इसे ओपन करते हैं। तो सो कंट्रोल प्लस ओ से भी करूँगी तो क्या हो जाएगा ये इमेज मेरा इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे इस इमेज को इस वाले पेज पे लाना है तो मैं इसको इसे क्या करूँगी मूव टूल से यहाँ पे मूव कर दूँगी। सो मेरी अब इमेज इस तरह से आ गई। कंट्रोल प्लस टी को मैं करके इसको रिसाइज भी कर सकती हूँ। इस इमेज को क्या कर सकती हूँ रिसाइज कर सकती हूँ देखो यहाँ से। अब मुझे इस इमेज को जहाँ पर रखना है मैं ये रख सकती हूँ अपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट को बना रही हूँ। तो सो सेकेंड ऑप्शन क्या है सेकेंड ऑप्शन ब्राउज है। सो यहाँ पे हाइड है इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे एंड फिर से आएंगे यहाँ पे आ गया ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया जस्ट उसमें सेलेक्ट किया और मूव टूल का यूज़ करके यहाँ पे अनहाइड हो गया। अब ब्राउज का मतलब क्या होता है गाइज ब्राउज का मतलब होता है कि ये है ना हमारा पूरा फोल्डर को ला कर दिखा देगा कि आपको कौन सा फोल्डर से पिक को निकालना है किसी इमेज को इंसर्ट निकालना। सो मैं ना डेस्कटॉप पे कुछ इमेज या रखी हो या पिक्चर वाले फोल्डर में तो यहाँ पे पिक्चर वाले फोल्डर यहाँ डेस्कटॉप पे अगर रखे हो तो डेस्कटॉप पे जाओ तो डेस्कटॉप पे जितने भी फोल्डर है ना आपको शो करके दिखा देंगे। सो मुझे अभी चाहिए पिक्चर का। सो अगर मुझे ये इंसर्ट चाहिए राधा कृष्ण का फोटो चाहिए सो डबल क्लिक करके मैं क्या करूँगी उस इमेज को इंसर्ट करवा दूँगी। अब मुझे इस इमेज को अपने मेन पेज पर चाहिए तो उसे क्या करूँगी मूव टूल से इसको यूज़ करूँगा। मूव टूल के थ्रू मैं इसको यहाँ डाल दूँगी। कंट्रोल प्लस टी करके आप फिर से इसको क्या कर सकते हो रिसाइज कर सकते हो ठीक है। एंड मूव टूल के थ्रू आप यहाँ पर रख सकते हो। क्लियर समझ में आ रही है। सो सेकेंड क्या है सेकेंड फिर ये हाइड हो गई। हाइड अनहाइड करने के लिए मैं फिर से ये करूँगी इसको अप्लाई करूँगी। ओके देन ये हमारी फिर से अनहाइड हो जाएगी। सो यहाँ पे ओपन एज ओपन एज कहने का मतलब गाइस क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट PNG में JPG में है PSD किस फॉर्मेट में गिफ्ट के फॉर्मेट में है तो आप उस सिर्फ सिंपली उस फोटो को ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए ओपन एज है। जैसे कि मुझे PNG इमेज को ओपन करना है ठीक है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे PNG को क्या क्या करूँगी सेलेक्ट करूँगी। सो देखते मैं मेरा PNG कहाँ पे है यहाँ पे जैसे कि ठीक है यहाँ पे मेरा PNG इसको मैंने सेलेक्ट किया। देखो यहाँ पे सिर्फ जो दिखा रहे ना ये इमेज सारे PNG वाले ही इमेज खुले और सारे इमेज हट गया और मेरे जितने भी PNG वाले इमेज है वही सिर्फ दिख रहा सबके लास्ट में देखो PNG आ गया ना। सो मैं PNG को यहाँ पे कोई भी इमेज को देखो PNG है ये भी। सो मैं क्या करती हूँ एक PNG वाले इमेज को कोई भी इंसर्ट करवा देती हूँ जैसे कि मेरा ये वाला PNG को इंसर्ट करवाती हूँ। क्लियर।
अब मुझे फिर से उसको लाना होगा अपने डॉक्यूमेंट में, तो मैं इसे मूव करके यहाँ पे ला दूंगी। देन कंट्रोल प्लस टी को मैं प्रेस करूंगी एंड इसे साइज छोटा कर दूंगी एंड मूव टू से मैं इसे सामने ला दूंगी, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो। क्लियर? सो मैंने अभी फोर बताया, न्यू ओपन ब्राउज एंड ओपन एज। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि ओपन रिसेंट क्या है, ठीक है। ओपन रिसेंट का मतलब आप लोग जानते हो गाइस कि ओपन रिसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, ओपन रिसेंट, ओपन रिसेंट का मतलब हमने कितने फाइल को अभी ओपन किया, सबको ओपन, जो भी फाइल को हमने ओपन किया आपको देखना है तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले इस इमेज पे वर्क कर रही थी तो मैंने इस इमेज को ओपन किया था। सो इस इमेज को अगर यहाँ से देखना है जितने नंबर ऑफ फाइल है तो यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। ओपन रिसेंट क्लोज में क्या होता है गाइज, आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जब प्रेस करोगे ना, एक एक करके जो भी ओपन आप स्टेप बाय स्टेप ओपन की हो आप उसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू उसका शॉर्टकट की है। ओके ओके, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट क्या, ओपन ओपन हो गया ना, ओपन रिसेंट एंड क्लोज भी हो गई। क्लोज से हम लोग क्लोज करते हैं हमारे जो भी डॉक्यूमेंट, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं उसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट आ जाओ, क्लोज हो गया। सेव, सेव से क्या होता है, मैं ये डॉक्यूमेंट जैसे बना रही हूँ, मुझे इसे सेव करना है, इसे सेव करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करूँगी। कंट्रोल प्लस एस जहाँ पे आपको पाथ सेलेक्ट कर लेना, आप वहाँ पे आप इसको सेव कर देना, ठीक है। सो इसका नाम मैं अनामिका ही रखती हूँ, बट इसका अगर फॉर्मेट जो भी आप रखना चाहते हो, मैं PNG फिर से रखती हूँ, तो PNG के फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेव पे क्लिक करूँगी, ठीक है गाइस। सेव पे जब क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ पे ओके कर दूँगी। ओके, ये डॉक्यूमेंट हमारी सेव हो गई, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे कहीं पे सेव हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये वाली जो डॉक्यूमेंट है ये हमारी सेव हो चुकी है, क्लियर। अब मैं फिर से आऊँगी अपने फोटोशॉप पे और उसे क्या करूँगी, नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊँगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। हमने वो डॉक्यूमेंट जो बनाया था अनामिका डॉट, उसे मुझे अगर अनदर फॉर्मेट में चेंज करना है, कोई JPG के फॉर्मेट में करना है, तो यहाँ पे हम लोग JPG के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ मिल गया, ठीक है। ओके, देन मैं अनामिका यही नाम रखती हूँ, बस JPG इसका नाम कर दिया और मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कि इसका क्वालिटी क्या है, आप कितना घटा सकते हो बढ़ा सकते हो। देखो क्वालिटी मैं इसको घटा रही हूँ, ठीक है, स्मॉल फाइल कर दे रही हूँ। आप जितना रखोगे क्वालिटी उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आप रखो, यहाँ पे दिखा रहा है आपका साइज, ठीक है, यहाँ पे आपका साइज दिखा रहा है, इमेज का साइज दिखा रहा है, देखो घटते जा रहा है। यहाँ पे पहले क्या था, 63 था, अब 61 हो गया, तो इमेज का साइज यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी अगर आपको अच्छा रखना है, लो रखना है, मीडियम रखना है, तो आप मीडियम कर सकते हो और यहाँ से ओके कर सकते हो, ठीक है। तो आपका वो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट सेव हो गया, ठीक है। अब देखो गाइस, सेव फॉर वेब, सेव फॉर वेब का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है सेव फॉर वेब, मुझे किसी डॉक्यूमेंट, मतलब हम लोग सेव फॉर वेब का मतलब होता है ना कि ये हम लोग वेब डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हमारा फाइल का साइज बहुत बड़ा होता है तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, उसके लिए हमारा क्या यूज़ होता है, सेव, ठीक है। जैसे कि मैंने इस पार्ट, इस एक इमेज को, सिंगल एक इमेज को अलग अलग पार्टों में मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारा मेनली सेव एज का यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर दूंगी, डेस्कटॉप पे ही करती हूँ, अलग अलग पार्टों में करके, अलग अलग पार्ट में। ओके, फिर हम लोग देखते हैं उसको ओपन करके।